बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सदका के छोटे छोटे तरीके। नंबर एक, अपने कमरे की खिड़की में या छत पर परिंदों के लिए पानी या दाना रखना। नंबर दो, मस्जिद में कुछ कुर्सियां रख दीजिए जिस पर माजूर लोग बैठकर नमाज पढ़े। नंबर तीन, सर्दियों में जराबे, मफरल, टोपी गली के जिम्मेदार या मुलाजम को तोहफा देना। नंबर चार, गर्मी में सड़क पर काम करने वालों को पानी का एहतमाम कर दीजिए। नंबर पांच, अपनी मस्जिद या किसी इज्तिमा में पानी पिलाने का इंतजाम कीजिए। नंबर छह, एक कुरान मजीद लेकर किसी को दे दीजिए या मस्जिद में रखिए। नंबर सेवन, किसी माजूर को पहियों वाली कुर्सी ले दीजिए। नंबर आठ, पेट्रोल पंप या रेस्टोरेंट में बाकी की रेजगारी मुलाजम को वापस कर देना। नंबर नौ, अपनी बोतल का पानी बचाकर किसी पौधे को लगा दीजिए। नंबर दस, लोगों से मुस्कुराकर पेश आइए और अच्छी बात कीजिए। नंबर ग्यारह, खाने का पार्सल बनवाते हुए एक ज्यादा लीजिए किसी को सदका करने के लिए। नंबर बारह, होटल में बचा खाना पैक कराकर बाहर बैठे किसी मिस्कीन को दे दीजिए। नंबर तेरह, गली मोहल्ले के मरीज की अयादत को जाना अपने आप पर लाजम कर लीजिए। नंबर चौदह, अस्पताल जाएं तो साथ वाले मरीज के लिए भी कुछ लेकर जाएं। नंबर पंद्रह, जेब इजाजत दे तो मुनासिब जगह पर पानी का कूलर लगवा दें। नंबर सोलह, अगर वसत हो तो सायादार जगह या दरख्त का इंतजाम कर दीजिए। नंबर सत्रह, गली अंधेरी है तो एक बल्ब रोशन रख छोड़िए। नंबर 18, मस्जिद के गंदे हमाम पैसे देकर धुलवा दीजिए। नंबर 19, रास्ते से एजा देने वाली यानी तकलीफ देने वाली चीज जैसे कांटा, पत्थर, केले का छिलका वगैरह हटा दीजिए। अल्लाह मुझे और आपको समझ की अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे चैनल सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका